वेलकम टू वरुण मैथ्स ऑनलाइन क्लास। मैं अपने इस चैनल पर बीटेक, बीएससी, बीफार्मेसी, नेट और गेट के वीडियो अपलोड करता हूं। आज बीटेक और बीएससी के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिपल इंटीगल। इससे पहले मैं डबल इंटीगल आपको बता चुका हूं, आज देखिए ट्रिपल इंटीगल। तो ट्रिपल इंटीगल में भी अपने को दो मेन रूल है, उसी को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट को आप बिल्कुल समझ लेंगे कि ट्रिपल इंटीग्रेशन में ही दो प्रकार के कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं। एक में क्या होता है कि आपको इवैल्यूएट करने के लिए बोलेगा, इवैल्यूएट ट्रिपल इंटीग्रल, और यहाँ पास कोई सा भी फंक्शन दिया रहेगा एफ एक्स वाई जेड में, और यहाँ डी एक्स डी वाई डी जेड ऐसा लिखा रहेगा, और यहाँ पास कॉन्स्टेंट लिमिट दिया रहेगा 0 to 1, 1 to 2, 0 to 3, ऐसा कांस्टेंट लिमिट दिया रहेगा। तो इसमें क्या करना है, जो भी फंक्शन है हमारे पास उसका सबसे पहले dz के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए लिमिट ये वाली होगी, पहला वाला लिमिट होगा, जो जैसा जिस ऑर्डर में लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में इंटीग्रेशन होगा। सबसे पहले dz का होगा, उसके बाद dy का होगा, उसके बाद dx का होगा, ऐसे उल्टे क्रम में चलता है। dz का लिमिट ये होगा, dy का लिमिट ये होगा, और डी एक्स का लिमिट ये वाला होगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जो भी फंक्शन, जब भी कांस्टेंट लिमिट रहे, तब की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी कांस्टेंट लिमिट रहे तो जो भी फंक्शन रहेगा उसका डी जेड के रिस्पेक्ट में सबसे पहले इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए लिमिट ये रहेगी। उसका जो भी आंसर आएगा उसका वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए लिमिट ये है, और जो लास्ट में बचा है जो भी आंसर आएगा उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए लिमिट ये है। ज़रूरी नहीं है कि हर हमेशा आपको इसी ऑर्डर में मिले, जैसे ये क्वेश्चन आपको इस ऑर्डर में भी मिल सकता है 0 to 1, 1 to 2 और 0 to 3, मान लीजिए ऐसा है, और इसमें जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ है उसका इंटीग्रेशन आपसे पूछा है, और यहाँ लिख दिया है डी वाई डी जेड डी एक्स, तो आपको इसी ऑर्डर में इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये जो भी फंक्शन है सबसे पहले इस फंक्शन का एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे, उसके लिए लिमिट ये रहेगा। जो भी रिजल्ट बचेगा उसका डी जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए लिमिट ये होगा, और लास्ट में जो भी इसका रिजल्ट आएगा उसका वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए लिमिट ये है। जैसा जो ऑर्डर लिखा रहेगा कॉन्स्टेंट लिमिट में आपको वैसा ही आपको इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है, उसी ऑर्डर में आपको इंटीग्रेशन रखना है। इसका इंटीग्रेशन का लिमिट ये है, इसका इंटीग्रेशन का लिमिट ये है, और इसका इंटीग्रेशन का लिमिट ये है। ये तो रहा कांस्टेंट लिमिट। और जब भी अपने पास मान लीजिए कि वेरिएबल लिमिट हो, जैसे मैं ये ट्रिपल इंटीग्रेशन का एक पार्ट को इधर बना रहा हूँ, दूसरे पार्ट को इधर बना रहा हूँ, ये मान लीजिए कि आपके पास ये फर्स्ट टाइप के हो गए, फर्स्ट टाइप का जिसमें आपको केवल कांस्टेंट लिमिट मिलेगा, तो उसके लिए आपको ये मेथड को फॉलो करना चाहिए। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले इवेल्युएट, जैसा ये आएगा 0 to 1, 0 to x, 0 to x plus y, ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ कोई फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स वाई जेड, ये किसी भी ऑर्डर में लिखा हुआ है, किसी भी ऑर्डर में लिखा रहे, अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें क्या होता है, जब भी वेरिएबल लिमिट होता है तो ये लिमिट डिसाइड करता है, ये फर्स्ट लिमिट डिसाइड करेगा कि सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है, तो ये जेड के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए लिमिट ये है। जैसे इसको अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 to 1, 0 to x, और ये हो जाएगा 0 to x plus y, और यहाँ जो भी फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड, इसका जेड के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ एक्स प्लस वाई लिखा है। मान लीजिए कि ये ऐसा लिखा रहे डी जेड डी एक्स, ऐसा लिखा रहे मान लीजिए, तो फिर भी ये लिमिट जो है, फर्स्ट लिमिट जो है, ये डिसाइड करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा। तो यहाँ x प्लस वाई लिखा हुआ है, मतलब ये जेड के रिस्पेक्ट में, भले यहाँ x दिख रहा है, ये वाला मेथड इसमें कांस्टेंट लिमिट में लगाते हैं,
कि जो जिस ऑर्डर में लिखा रहता है उसी ऑर्डर में अपन इंटीग्रेशन करते हैं। लेकिन जब भी वेरिएबल लिमिट रहे तो उस समय ये फर्स्ट लिमिट ये डिसाइड करेगा कि सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, उसके बाद सेकंड लिमिट डिसाइड करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, उसके बाद लास्ट जो बचा रहेगा उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे यहाँ x प्लस वाई लिखा हुआ है तो ये z के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, यहाँ डी वाई और डी एक्स ऐसा लिखा रहेगा। इसका जो भी आंसर निकलेगा उसको क्या करेंगे, 0 to 1, 0 to x, और ये जो भी आंसर है ये, और यहाँ डी वाई डी एक्स लिखा हुआ है। तो क्या हो गया है, यहाँ क्या लिखा हुआ है x, तो अब ये y के रिस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेशन होगा, उसका लिमिट ये है। सेकेंड टाइम्स में आपको यहाँ x लिखा हुआ है मतलब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, उसके लिए लिमिट ये है। फिर जो बच गया लास्ट में वो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। यही दोनों में मेन डिफरेंस यही है, जब भी आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन का कोई सा भी क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले आप ये लिमिट को देखेंगे कि लिमिट कैसा है। यदि लिमिट कांस्टेंट का है तो आप क्या करेंगे, जिस ऑर्डर में आपको दिया गया है उसी ऑर्डर में आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। यदि लिमिट जो है वेरिएबल लिमिट है तो फर्स्ट लिमिट पहले डिसाइड करेगा कि किसके रिस्पेक्ट में ये पहले इंटीग्रेशन होगा, सेकेंड में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा और थर्ड में किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें कांस्टेंट लिमिट दिया हुआ है, तो कांस्टेंट लिमिट को अपन कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। इवेल्युएट 0 to 1, 0 to 2 और 1 to 2 एक्स स्क्वायर वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो सबसे पहले क्या होगा, कांस्टेंट लिमिट है तो जिस ऑर्डर में ये दिया हुआ है उसी ऑर्डर में आपको इंटीग्रेशन करना है। पहले जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, जो आंसर आएगा उसका वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, फिर जो आंसर बचेगा उसका डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। जेड के लिए लिमिट ये है, वाई के लिए लिमिट ये है और एक्स के लिए लिमिट ये लास्ट वाला है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन मैं देखता हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले इस फंक्शन का जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 0 to 1, 0 to 2, ये हो जाएगा इन ब्रैकेट 1 to 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड किसके रिस्पेक्ट में, जेड के रिस्पेक्ट में, जो आपके पास बचा उसको लास्ट पे लिख दीजिए डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, जेड के रिस्पेक्ट में एक्स और वाई कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 0 to 1, 0 to 2 और इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए एक्स स्क्वायर वाई जो है जेड के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है तो ये ऐसा ही रहा, जेड का इंटीग्रेशन हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई टू, बाई टू को मैं बाहर लिख दिया और यहाँ लिमिट रहेगा 1 to 2 और ये है डी एक्स डी वाई। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1 by 2, 0 to 1, 0 to 2 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा 2 to 4, जेड की वैल्यू रखेंगे लिमिट की वैल्यू जेड की जगह में तो 2 to 4 लोअर लिमिट माइनस के साथ लिखाएगा तो 1 और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। तो आपके पास क्या बचेगा, 1 by 2, 0 to 1, 0 to 2 एक्स स्क्वायर वाई और ये 3 बचेगा, 3 कांस्टेंट है मैं बाहर ले लिया, ये आ गया 3 by 2 और यहाँ डी एक्स डी वाई। ठीक है, अब देखिए इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, इसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ये हो जाएगा 3 by 2, ये हो जाएगा लिमिट 0 to 1, 0 to 1, अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में होगा तो ये हो जाएगा 0 to 2 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई और ये डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए आप वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स जो है कांस्टेंट की तरफ बिहेव करेगा, ये 3 by 2, ये 0 to 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये y का इंटीग्रेशन होगा तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 को मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ और यहाँ लिमिट की वैल्यू आ जाएगी 0 to 2
और ये बचेगा डी एक्स, तो ये आ जाएगा 3/4 0 to 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 to 4 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये डी एक्स हो गया, तो ये आ जाएगा 3/4 और ये 4 बाहर आ गया, और यहाँ 0 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स बचा, ये 4 से 4 कैंसिल, यहाँ 3 बचा इसका। अब लास्ट में ये बचा है तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 ऐसा मिलेगा। लिमिट की वैल्यू रख दीजिए 0 to 1, 3 कैंसिल हो गया, अपर लिमिट कितना आया 1 माइनस 0, लास्ट में आपको 1 रिजल्ट मिल गया। ठीक है, इसको इस तरीके से सॉल्व करना है जिसमें भी कांस्टेंट लिमिट रहे, तो आपको याद रखना है जिस जो ऑर्डर दिया गया है उसी ऑर्डर में आप इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, चाहे ऑर्डर यहाँ कुछ भी रहे, डी एक्स डी वाई डी जेड रहे, चाहे डी वाई डी एक्स डी जेड रहे या डी जेड पहले रहे, जो भी ऑर्डर दिया रहेगा उसको इसी ऑर्डर में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले वाले के लिए लिमिट ये है, दूसरे वाले के लिए लिमिट ये है, और लास्ट वाले के लिए लिमिट ये है। ठीक है, चलिए एक आध और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ले करके देखते हैं। देखिए एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में 8 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। ये है इंटीग्रेशन -c to c -b to b -a to a x² + y² + z² dx dy dz, इसकी वैल्यू निकालनी अपने को। यहाँ देखेंगे पूरे जो लिमिट्स हैं वो कांस्टेंट लिमिट है, तो जैसे ही आपको जो जिस ऑर्डर में ये दिया हुआ है उसी ऑर्डर में इसको आप इंटीग्रेशन करते चले जाएंगे। सबसे पहले जेड के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन करेंगे, जो आंसर आएगा उसको वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे। जेड के लिए लिमिट ये है, वाई के लिए लिमिट ये है, और एक्स के लिए लिमिट ये है। ठीक है, और इसमें इंटीग्रेशन का रूल लगा करके भी सॉल्व किया जा सकता है, और सिंपल मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो अपन इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि आपको इंटीग्रेशन इजी लगे। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं कैसे देता हूँ, देखिए सबसे पहले इसका जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, तो मैं इसको ऐसा लिखता हूँ -c to c -b to b, और ये हो जाएगा -a to a x² + y² + z² और ये हो गया dz, और ये हो जाएगा dx dy। जेड के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन करूँगा मैं, देखिए क्या मिलेगा आपको -c to c -b to b। आप चाहे तो इजी बनाने के लिए इसको अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, -a to a x² dz +-a to a y² dz +-a to a z² dz और पूरे का dx dy, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। देखिए आपको क्या मिलेगा -c to c -b to b, और यहाँ पास आपको क्या मिलने वाला है, देखिए x² कांस्टेंट है dz के रिस्पेक्ट में, तो dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, dz का इंटीग्रेशन z हो जाएगा, लिमिट जो है -a से a की ओर है, प्लस z के रिस्पेक्ट में y भी कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा y² dz का z हो जाएगा, इसका भी -a से a की ओर है, और यहाँ पास क्या है z² का इंटीग्रेशन z³/3, ये आ जाएगा, यहाँ पास आप लिमिट की वैल्यू रख लीजिए -a to a, और ये हो जाएगा dx dy। यहाँ पास लिमिट की वैल्यू रखी है तो ये हो जाएगा -c to c -b to b, और यहाँ मैं डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करता हूँ, ये हो जाएगा x², और यहाँ a -a मतलब प्लस a हो जाएगा y², ये आ जाएगा अपर लिमिट a माइनस लोअर लिमिट -a, तो मतलब a प्लस a आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/3 a³ + a³, और ये हो जाएगा dx dy। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा -c to c -b to b, और ये हो जाएगा 2ax² +2ay² +1/3 2a
क्यू और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। जेड के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, अब वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करना है। वाई के लिए लिमिट ये है माइनस बी टू बी, तो इसके लिए देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ से, ये माइनस सी टू सी और ये हो जाएगा माइनस बी टू बी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इसके साथ डी वाई का चलिए पहले ऐसे ही लिख लेते, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए वाई स्क्वायर प्लस वन बाई थ्री टू ए क्यूब और ये आ जाएगा डी वाई, इसके बाद अपन डी एक्स का करेंगे तो हो जाएगा माइनस सी टू सी और ये हो जाएगा टू ए एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में। फिर से मैं कर देता हूँ इसका, आप ऐसा भी कर सकते हैं माइनस बी से बी टू ए एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस माइनस बी से बी, इंटीग्रेशन को तीनों के साथ अलग अलग कर देते हैं ताकि इंटीग्रेशन करने में अपने को इजी रहे, या तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में टाइम बचाने के लिए, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं बिल्कुल अलग अलग कर दे रहा हूँ। माइनस ये हो जाएगा वन बाई थ्री माइनस बी से बी टू ए क्यू डी वाई और ये हो जाएगा डी एक्स, ठीक है तो हो जाएगा माइनस सी टू सी और ये डी वाई के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो सभी चीज़ कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा टू ए एक्स स्क्वायर डी वाई का वाई हो जाएगा और इसका लिमिट क्या है माइनस बी से बी प्लस, यहाँ वाई के वाई का डी वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा टू ए वाई का वाई क्यूब बाई थ्री, ये ऐसा हो जाएगा माइनस बी बाई बी, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया प्लस वन बाई थ्री टू ए क्यूब अलग आ जाएगा डी वाई का वाई हो जाएगा ये माइनस बी से बी और इसका डी एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए फिर इसकी वैल्यू को अपन अगले स्टेप में रखेंगे। देखिए यहाँ पास लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस सी टू सी और ये हो जाएगा टू ए एक्स स्क्वायर टू ए एक्स स्क्वायर और यहाँ से अपर लिमिट बी माइनस लोअर लिमिट माइनस बी तो यहाँ हो जाएगा टू बी, ये हो जाएगा टू ए अपॉन थ्री और ये हो जाएगा आपका वाई की जगह में बी रखेंगे तो टू बी क्यूब हो जाएगा और ये यहाँ पास वैल्यू रखेंगे तो वन बाई थ्री प्लस वन बाई थ्री और टू ए क्यूब टू ए क्यूब और यहाँ से आ जाएगा टू बी टू बी। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए एक्स के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा माइनस सी टू सी टू टू ज़ा फोर ए बी फोर ए बी एक्स स्क्वायर प्लस टू टू ज़ा फोर ए बी क्यूब बाई थ्री फोर ए बी क्यूब बाई थ्री प्लस टू टू ज़ा फोर ए क्यूब बी बाई फोर ए क्यूब बी बाई थ्री और ये लास्ट में हो जाएगा डी एक्स। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लीजिए तो हो जाएगा सभी का मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी और फोर ए बी यहाँ से फोर ए बी कॉमन कॉन्स्टेंट है तो इसको मैं बाहर ले लिया इंटीग्रेशन माइनस सी टू सी एक्स स्क्वायर कर दिया डी एक्स प्लस यहाँ से फोर ए बी क्यू बाई थ्री कॉन्स्टेंट बाहर कर दिया माइनस सी टू सी डी एक्स यहाँ पास भी फोर ए क्यू बी कॉन्स्टेंट है इसको बाहर कर दिया और ये हो गया माइनस सी टू सी डी एक्स। अब आप इसका इंटीग्रेट कीजिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा वन बाई थ्री एक्स क्यूब और यहाँ माइनस सी सी ये हो जाएगा फोर ए बी क्यूब बाई थ्री और यहाँ डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ये हो जाएगा माइनस सी टू सी ये हो जाएगा फोर ए क्यूब बी बाई थ्री ये भी हो जाएगा एक्स माइनस सी टू सी। अब इसकी वैल्यू आप पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा फोर ए बी बाई थ्री ये हो जाएगा टू सी क्यूब
यहाँ सी क्यूब रखेंगे, सी क्यूब माइनस माइनस प्लस सी क्यूब, और ये हो जाएगा 4ab³/3, ये हो जाएगा 2c, और ये हो जाएगा 4a³b³/3, ये हो जाएगा 2c। टोटल में आपको मिलेगा 4 2 8 ab³³/3, और ये हो जाएगा 4 2 8 ab³c³/3, प्लस ये हो जाएगा 8a³b³/3। यहाँ से आप 8abc को कॉमन ले लीजिए, 8abc/3 को कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास बचेगा यहाँ से 8abc/3 कॉमन ले लिए, यहाँ से ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ से आपके पास बी स्क्वायर बचेगा, और यहाँ से आपके पास सी स्क्वायर बचेगा। ये आपका फाइनल रिजल्ट आया। तो मेरे ख्याल से जो कांस्टेंट लिमिट है उसका कैसे इंटीग्रेशन करना है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यदि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो आप इसको लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।